Hello, dear student. Today I am going to explain lesson 13, The Sun and the Shadow, page number 77. Okay. First time reading this page. Fact to know the sun and the eight planets that move around it form our solar system. The sun is the center of our solar system. Shadows. When an object comes in the path of light, a dark shape is formed on a surface. This dark shape is called a shadow. Shadows are formed on the side opposite to the source of light. Skill test color the correct shadow black of the given image. Okay. फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट टू नो इसे हम रीड करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे आप इसे फॉलो करिएगा ओके ना द सन एंड द एट प्लानट सूरज या सूर्य और एट प्लानिट्स आठ ग्रह हैं दैट जो कि मूव अराउंड इट जो कि इसके चारों तरफ मूव करते हैं यानी कि इसके सूर्य के चारों तरफ मूव करते हैं एट प्लानट्स फॉर्म आवर सोलर सिस्टम वो हमारे क्या होते हैं सोलर सिस्टम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं सोलर सिस्टम यानी सन एंड एट प्लानट जो उसके मूव चारों तरफ मूव करते हैं ठीक है उससे हम क्या कहेंगे उन पूरे समूह को ही क्या कहेंगे आवर सोलर सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम होते हैं यानी वो सोलर सिस्टम है द सन इज़ सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम में जो केंद्र में है वो सूरज है यानी सूरज बीच में है बाकी जो आठ ग्रह हैं वो उसके चारों तरफ क्या करते हैं मूव करते हैं सैडोस सैडो मतलब छाया परछाई ठीक है ना इसको हम हिंदी में छाया भी कह सकते हैं परछाई भी कहते हैं ठीक है ना जैसे कभी कभी देखिए हम लोग का भी परछाई अगर सरफेस uh, पे वाल पे बनता है ठीक है ना वो सैडो ठीक है ना तो वो कैसे बनता है उसी को इसमें एक्सप्लेन हम करेंगे इस पैराग्राफ में आप इसे सुनिएगा और समझिएगा वेन एन ऑब्जेक्ट कम्स जब वेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इन द पथ ऑफ लाइट जब एक ऑब्जेक्ट के पथ पर अगर लाइट आता है ठीक है ना एन ऑब्जेक्ट कम्स इन द पथ ऑफ लाइट यानी लाइट के रास्ते में या पथ में ठीक है ना जब कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है ठीक है तो ए डार्क सेप इच फॉर्म ऑन ए सरफेस तो एक डार्क तो कलर का जो शेप होता है वो फर्श पर बन जाता है ठीक है दिस डार्क सेप इच कार्ड इसी डार्क सेप को जो पत जो सरफेस पे बनता है ठीक है ना इसी को हम क्या कहेंगे सेप इज कार्ड सैडो एक सैडो है क्या है सैडो छाया है ठीक है शेडोज आर फॉर्म ऑन द साइट अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट जो छाया या परछाई है वो सोर्स ऑफ लाइट यानी जो सोर्स ऑफ लाइट होगा प्रकाश का जो स्रोत होगा उसके अपोजिट दिशा में ठीक है ना उसके अपोजिट दिशा में ही बनता है ठीक है शेडोस आर फॉर्म ऑन द साइट अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट यानी सोर्स ऑफ लाइट के अपोजिट दिशा में छाया बनता है ओके okay? तो अब इसमें स्किल टेस्ट दिया है देखते हैं ये क्या है स्किल टेस्ट में देखिए द कलर द करेक्ट सैडो ब्लैक ऑन द गिवेन इमेज यानी आपको इमेज दिया वन टू थ्री फर्स्ट में तो कार दिया है सेकेंड में बॉय दिया थर्ड में लॉयन दिया है इसके दो जो है राउंड फिगर की तरह दिया हुआ है कहने मतलब ये आपका एक इमेज बता रहा है किसका इमेज है साइडो है तो अब इसमें जो परफेक्ट होगा उसे आपको कलर करना है तो फर्स्ट टाइम आप जानते हो कि ब्लैक कलर ही होगा ऊपर भी अभी ये बताया गया कि एक ब्लैक से बनता है ठीक है ना तो इसमें आपको कलर फिल करना है तो कैसे कलर होगा देखिए अब आपको पहले ये समझना है कि इसका साइडो कौन सा हो सकता है ठीक है जैसे फर्स्ट कार है तो कार का साइडो इन दोनों में कौन होगा तो फर्स्ट टाइम इसमें देखिए हेडलाइट बना हुआ इसमें देखिए हेडलाइट आपका यहाँ पे नहीं बना हुआ है देख रहे ना तो हम क्या करते हैं कि इसको जो है ब्लैक कलर में करेंगे ठीक है ना जैसे इसका जो ब्लैक कलर होगा ये देख रहे हैं आप ये इसको आप अच्छे से ब्लैक कलर से ऐसे कलर कर दीजिएगा पूरा ठीक ऐसे पूरा कलर हो जाएगा आपका यही आपका स्किल टेस्ट है यानी ये आपका जो है ये देख रहे हैं इस तरीके कार को अच्छे से आप कलर कर लेंगे ये इस तरीके दूसरा क्या है बॉय बॉय में देखिए इसमें जो हैंड है उसका डाउन साइड इसमें देखिए ओपन हुआ है ना तो जैसे भी आपका यहाँ इमेज होगा उसी सेप में बनेगा यानी ये सेकंड वाला आपका होगा ठीक है इसको आप अच्छे से कलर कर लीजिएगा ये नंबर थर्ड लायन अब लाइन में भी देखिए समझिए इसमें लाइन में क्या करना है कि लाइन में देखिए दोनों पैर आगे की तरफ है इसके हिप टेल पे देखिए टेल इसका ऊपर की तरफ मूव है लेकिन पहले वाले फिगर में नीचे की तरफ मूव है ये सेकंड बिल्कुल एग्जैक्ट होगा सेकंड वाला आपको कलर कर देना इस ओके इसको आप बुक में अच्छे से कर लीजिएगा पेंसिल लेकर या ब्लैक कलर अगर आपका होगा मोम कलर ठीक है ना चलिए इस तरीके डियर स्टूडेंट मैंने इस पेज को एक्सप्लेन कर दिया है इसके स्किल टेस्ट को भी समझा दिया है ठीक है तो इसे आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा पेज को और जो ऊपर आपकी जो टॉपिक दिए गए हैं उसे रीड करिएगा और समझिएगा ओके थैंक यू